हेलो बच्चों, एसडीएस विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 5 का विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं। विज्ञान का अध्याय 4, पाठ का नाम है भोजन, पाचन एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव। इसके पहले वाले पाठ में हमने आपको मस्तिष्क के बारे में बताया। इस पाठ में हम पढ़ेंगे भोजन, पाचन एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव। सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्वस्थ शरीर मानव की सबसे बड़ी पूंजी होती है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हमारा मन हर काम में लगता है, हमारे शरीर का विकास होता है, शरीर की आंतरिक और बाहरी क्रियाएं भी सही तरीके से होती है, हमारे सभी अंग तंत्र सही तरीके से काम करते हैं। तो भोजन करने से तो शरीर को हम स्वस्थ कैसे बनाएं, उसके लिए हमें संतुलित भोजन लेना पड़ेगा। तो भोजन करने से हमारी भूख जो होती है वह शांत हो जाती है, थकावट दूर हो जाती है और शरीर को स्फूर्ति और शक्ति भी मिलती है। भोजन करने से ही शरीर को ऊर्जा यानी काम करने की क्षमता। शरीर अगर थका रहे, भूख लगा रहे तो कोई काम करना संभव नहीं होगा। जैसे ही हम भोजन करते हैं हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति आ जाती है और भोजन करने से ही शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हमें संतुलित भोजन लेना पड़ता है। इसके फलस्वरूप शरीर का वृद्धि और विकास होता है। जब हम भोजन करते हैं तो शरीर का वृद्धि और विकास होता है, साथ ही साथ शरीर की अन्य जैविक क्रियाएं भी पूर्ण होती हैं। उचित तथा आवश्यक भोजन जो होते हैं, भोजन के जो पदार्थ होते हैं वह प्राप्त करने के लिए हमें संतुलित भोजन लेना पड़ता है और संतुलित भोजन में जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये हमारे भोजन के आवश्यक भोज्य पदार्थ हैं जो हमें संतुलित भोजन करने से ही मिलता है, जो हमारे शरीर का वृद्धि विकास के साथ साथ हमें रोगों से बचाते हैं, साथ ही साथ शरीर में टूट फूट की भी मरम्मत करते हैं। यानी उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें उचित और संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। यानी संतुलित भोजन किसे कहेंगे, जिस भोजन में ये सभी प्रकार के पोषक तत्व तो उचित मात्रा में मिलेंगे वही हमारा संतुलित भोजन होगा और संतुलित भोजन करने से ही शरीर का विकास होता है। आइए इन भोज्य पदार्थों के बारे में जानें। पहला है प्रोटीन। यानी प्रोटीन क्या है? प्रोटीन प्रमुख रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक है। कुछ विशेष प्रोटीनों में आयोडीन, तांबा, फास्फोरस और मैग्नीज एवं लोहे की थोड़ी सी मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन अमीनो अम्लों के संयोग से बनता है तथा पशुओं और वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन हमें कहां कहां से मिलता है? प्रोटीन जो है दाल, अंडे, दूध, पनीर, मछली, सोयाबीन
आज पदार्थों से हमें प्राप्त होता है। अब ये प्रोटीन हमारे शरीर में करते क्या है? प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि एवं शरीर में हुए टूट फूट की मरम्मत भी करते हैं। प्रोटीन शरीर को चुस्त दुरुस्त करने तथा नाखूनों की वृद्धि और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए सहायता करते हैं। और प्रोटीन जो है हमारे पाचन क्रिया को भी, पाचन क्रिया के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि यही प्रोटीन जो होते हैं पाचक रस बनाते हैं और मानसिक शक्ति और रोगों से बचाते हैं। तो ये प्रोटीन जो होते हैं रोग निवारण होते हैं और शक्ति वर्धक होते हैं, शक्ति देते हैं, और इन्हीं प्रोटीन से शरीर में हुए टूट फूट की मरम्मत होती है। और ये रुधिर को सामान्य रूप से, ये खून के लिए प्रोटीन जो होते हैं बहुत ही अनिवार्य होते हैं। अब देखते हैं दूसरा, प्रोटीन के बाद दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होते हैं। इसमें जो है इसके अंदर मंड और शर्करा, इसमें जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं मंड और शर्करा। मंड प्रमुख रूप से जो है अनाजों से प्राप्त होते हैं, अनाज और दालों से, और शर्करा जो होते हैं वह प्रमुख रूप से मीठे फलों से प्राप्त किए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यानी मीठे फल यानी गन्ना और चुकंदर से बहुत ही अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। और ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हमें शक्ति प्रदान करते हैं, तो शरीर के लिए ये कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तीसरा देखते हैं गन्ना और चुकंदर। अनाज, अब देखते हैं तीसरा विटामिन्स। तीसरा पोषक तत्व तो है विटामिन। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन जो होते हैं वह जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। क्या है? विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन भी पाया जाता है। आज तक अनेक विटामिनों की खोज हो चुकी है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, विटामिन के। अब जो है इनमें से विटामिन बी और सी, इनमें से विटामिन बी और सी जो होते हैं जल में, जल के द्वारा, तथा ए, डी और ई जो होते हैं, ई और के जो होते हैं वसा में विलेय होते हैं। और ये विटामिन करते क्या हैं? विटामिन जो होते हैं शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं और शरीर को रोगों से लड़ने की रक्षा प्रदान करते हैं, रोगों से लड़ते हैं। अब ये विटामिन जो होते हैं मिलते कहां से हैं? विटामिन जो है फलों और सब्जियों से, विटामिन जो होते हैं फलों और सब्जियों से प्राप्त किए जाते हैं। तो विटामिन यह भी एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब चौथा, चौथा है वसा, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फैट। वसा, वसा क्या होते हैं? वसा में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होते हैं। वसा जंतु तथा वनस्पतियों से प्राप्त किए जाते हैं। वसा यानी इसको हम
वनस्पति तेल के रूप में यूज करते हैं। वसा जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी शरीर को शक्ति मिलती है वसा से। वसा कार्बोहाइड्रेट्स को पाचन में सहायता मिलती है। वसा के द्वारा शरीर के ऊतकों का निर्माण, शरीर में ऊतकों का निर्माण एवं मरम्मत होती है, और वसा के द्वारा शरीर क्या होता है, सुडौल होता है। वनस्पति वसा वनस्पति तेल और मांस के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो यह भी हमारे शरीर का, शरीर के निर्माण में, शरीर के स्वास्थ्य में यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। देखते हैं पांचवा है खनिज लवण। पांचवा पोषक तत्व है खनिज लवण। शरीर के लिए विभिन्न खनिज लवण जिनमें लोहा, तांबा, सोडियम, आयोडीन, गंधक, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम आदि हों, और वह क्या होते हैं, शरीर के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा पांच पोषक तत्वों के बारे में। अब देखते हैं छठवां, छठवां है जल। जैसे कि हम जानते हैं कि जल ही जीवन है, प्राणियों के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अभी हम बता रहे थे आपको जल के बारे में, जिसको हम बोलते हैं वाटर। हमने बताया आपको जल ही जीवन है, तो जल जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक पदार्थ है। शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं, हमारे शरीर के अंदर सभी आंतरिक क्रियाएं जो होती हैं जल की उपस्थिति में ही होती हैं। विभिन्न पदार्थों का अवशोषण, उनका आपसी क्रियाएं, बेकार या हानिकारक पदार्थों का निष्कासन जो होती है जल की उपस्थिति में ही होती है। अनेक पौष्टिक तत्व जो होते हैं वह जल में घुले रहते हैं, और उन्हीं जल में घुले रहने के कारण वह हमारे रुधिर में यानी खून में मिल जाते हैं। और जो जल होता है वह हमारे शरीर के टेम्परेचर यानी हमारे शरीर के तापमान को भी मेंटेन रखता है, संतुलित रखता है। अब देखते हैं कि व्यक्ति की आयु, लिंग, शरीर का आकार, उसके कार्य करने की क्षमता, उसकी व्यवसाय के आधार पर ही भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चों के लिए, बच्चों के लिए किस तरह का भोजन आवश्यक होता है, क्योंकि जो बच्चों का शरीर होता है वह बढ़ता है उम्र के साथ साथ, उनकी लंबाई चौड़ाई जो होती है वह बढ़ती जाती है। तो उसके लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए जो होता है उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। बच्चों को अधिक से अधिक प्रोटीन, ताकि उनके हड्डियों का विकास हो सके, प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए। दूसरा, मजदूर व कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के लिए मजदूर व कठिन परिश्रम करने वाले लोगों को अधिक से अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उनको उचित मात्रा में मिल सके, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि मस्तिष्क जो होता है हमारे सभी अंग तंत्रों को नियंत्रित करता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, ताकि हमारे सभी प्रकार के अंग तंत्र सही तरीके से काम कर सकें।
तो हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए, संतुलित भोजन, ताकि संतुलित भोजन उसे ही हम कहते हैं जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल सके। क्योंकि हमने आपको बताया कि शरीर जो होता है मानव का सबसे बड़ा पूंजी है। अगर शरीर आपका स्वस्थ है तो आप पढ़ना लिखना खेलना कूदना या अन्य भी कोई भी काम करना चाहेंगे उसमें आपका मन लगेगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई भी काम आप करना नहीं चाहेंगे या कर नहीं सकेंगे। क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो शरीर की सारी क्रियाएं भी सही तरीके से होंगी। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो शरीर की क्रियाएं सही तरीके से नहीं हो पाती हैं। तो सबसे पहली चीज कि शरीर को हमें क्या करना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए। स्वस्थ रखने के लिए संतुलित भोजन के साथ साथ शरीर की उचित देखभाल, और देखभाल कैसे करेंगे, देखभाल के लिए हमें उचित व्यायाम भी करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में व्यायाम करने से होता क्या है, हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। जब हमारी मांसपेशियां मजबूत रहेंगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, अपने भोजन को संतुलित रूप से लेना चाहिए और समय समय पर भोजन करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर क्या हो, स्वस्थ हो। क्योंकि स्वस्थ शरीर मनुष्य की यानी मानव की सबसे बड़ी पूंजी। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप धनवान हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो कोई काम नहीं कर पाते हैं। इस पाठ के कुछ चीजें और हैं, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।